हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सी टेट कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी, और साथ ही साथ आप इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। एटलीस्ट जिनका एग्जाम क्लियर होता है, तो एग्जाम क्लियर होने के बाद वो आगे फर्दर प्रैक्टिस कर सकें अगले एग्जाम्स के लिए और आगे बढ़ सके। तो ये एक दो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, जिन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आंसर की, जो कि आपकी आज आंसर की आपको रिसीव हो गई होगी, आपने देखी होगी। और देखने में अगर आपको कोई इशू आया है तो सिंपली हम इस वीडियो में एक शॉर्ट में देखेंगे। तो आपको जो आंसर की मिली है ये आज मिली है, जिसमें आपको इस तरह से अलग अलग पोर्शन में चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सबसे पहले दिखता है कि आपका जैसे ये आपका जो है वो पेपर टू की आंसर की हमने अभी ली है। इसको आप सिंपली सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आपने डाउनलोड किया होगा अपना रोल नंबर, मतलब एप्लीकेशन नंबर, और साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। उसके बाद अगर आपने आपके पास ओएमआर सीट नहीं है आपकी कॉपी उसकी, या फिर आपके आंसर्स नहीं है, तो वहां से आप अपने जो भी रिस्पांस था ओएमआर सीट भी वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसको डाउनलोड किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे लिखा होगा मेन मैथ, मतलब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो मेन कंटेंट था किसका, मैथ साइड वालों का, उनके लिए जो आपका क्वेश्चन है 90 questions जो है उनका आंसर आपको यहाँ से लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें सेट कैसे देखना है, तो सेट हमारा कौन सा होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है आई सेट था। और कौन सा पेपर क्वेश्चंस कौन से देखने हैं, वो मेन मैथ का है, मतलब मैथ साइड वालों का है। 90 questions आपके सीक्वेंस से रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन बना कि अगर ये आपके 90 questions यहाँ पे आ गए, तो रिमेनिंग जो है हिंदी इंग्लिश, मतलब आपके 60 questions कहाँ से आएंगे। तो वो लैंग्वेज सिलेक्शन आपने जिस तरह से किया था उसके अकॉर्डिंग आप जब इसके पेजेस बदलेंगे, जब आप क्या करेंगे पेजेस बदलेंगे, तो पेजेस बदलने में आपको दिखेगा कि ऐसे जब नीचे चलते चलेंगे तो आपको क्या होगा, सेट डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद जो 4 set है आपके मेन मैथ के वो रिपीट होंगे। उसके बाद आपका क्या आ गया, सोशल स्टडी का जो सेट है 4 वापस वो रिपीट होंगे। ये रिपीट होने के बाद आपको क्या होगा, जब आपके 4 set रिपीट हो जाएंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा आपको, जैसे कि लैंग्वेज 1 किसका, अगर इंग्लिश था तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां से लेने हैं। लैंग्वेज अगर आपका जो लैंग्वेज 1 आपका क्या है पेपर 2 में, इसमें सेट जाएंगे, सेट भी डिफरेंट थे लैंग्वेजेस के, तो सेट के अकॉर्डिंग आप 4 set आपको इंग्लिश के मिलेंगे। सेम आगे जाने के बाद जब 4 set कंप्लीट हो जाएंगे आपको मिलेगा हिंदी, जिसका आपको क्या मिला कि आपके पास क्या है जो क्वेश्चंस है वो हिंदी के अकॉर्डिंग, मतलब आपका हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहां है। अगर आपका नॉर्मल सी बात है आपको 30 questions स्टार्टिंग के हिंदी के आपको देखने हैं, तो आपको आई सेट से देखने होंगे 90 से लेके 120। अगर आपका क्या है लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो 1 आपका क्या है हिंदी है, आपका हिंदी है, तो आपको क्या होगा यहां से देखने को मिलेगा, मतलब आपको ये 30 questions आपको देखने होंगे। और अगर लैंग्वेज 2 आपका क्या है इंग्लिश है, तो आप क्या करेंगे जो 121 से लेके, मतलब ये भी 1 पे है, तो यहां से लेके 150 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका जो आंसर मिलेगा आपको पीछे, जो आपको सेट 4 set आपको देखने को मिले इंग्लिश के, आपको वहां से देखना है। तो सिंपली आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है मेरे किस सेट में है, आई में, हिंदी में है, तो आपको यहां से देखने होंगे। आई की वजह जे में है तो आपको जे से देखना होगा, के में है तो के में देखना होगा, बट अगर आपको हिंदी में देखना है तो आपको हिंदी यहां से देखना होगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका ये जो भी लैंग्वेज सिलेक्शन का, आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे ऐसी अदर लैंग्वेज की, तो अदर लैंग्वेज में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो आपके जो 4 set है हिंदी के वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद बाकी अदर लैंग्वेजेस आपको जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जैसे हिंदी में क्या होगा, किसी की सेकंड लैंग्वेज हिंदी हुई तो वो हिंदी सेक्शन में अपना सेट मिलाएगा, कौन सा सेट है, और जो सेट देखेगा वो क्या देखेगा, क्वेश्चन कहां से देखेगा, 121 से लेके 150 तक। अगर उसकी हिंदी 1 थी आई सेट में, तो वो क्या करेगा 91 से देखेगा 120 तक। ये सिंपल सा रहने वाला है, सेट मिलाएंगे, उसके बाद लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, तो 30 questions सिर्फ वहीं से लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं अपना टोटल मेन एग्जाम वहां से जो 90 questions होंगे, बाकी रिमेनिंग 30 + 30 आपको इंग्लिश हिंदी या अदर जो भी लैंग्वेज है आपको वहां से लेने होंगे। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन आता है जैसे कि आपके पास ये आंसर की आई है, लेकिन आंसर की के बाद भी क्या है यहाँ पे ना कुछ वर्डिंग
लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? मतलब आपका क्या है, ए या फिर बी सी डी, ये क्या लिखा हुआ है, जेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा है कि आपको अगर जेड कहीं लिख के आता है, सपोज किसी भी आंसर में जेड लिख के आएगा, तो इसका मतलब है उसका जो ऑल ऑप्शन है, चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे। इसी तरह से ए का मतलब है कि वन और टू, अगर आपने सपोज पहला जो आंसर लगाया था ऑप्शन ए जो आपने लगाया था, फर्स्ट और सेकंड जो आंसर्स लगाए थे, तो वो दोनों में से अगर आपने एक ही लगाया है तब भी वो करेक्ट माना जाएगा। लेकिन कौन सा, पहला और दूसरा, मान के चलिए आपका 109 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके सामने ए लिख के आता है। अब इस ए का मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर है वन और जो टू है वो दोनों ही करेक्ट है। तो आपने सिंपली एक ही आंसर लगाया होगा, तो आपने चाहे वन लगाया हो या फिर टू लगाया हो, आपको दोनों को मिलेगा। इसी तरह अगर आप बात करेंगे बी के केस में, जब बी लिखा है इसका मतलब वन और थर्ड जो ऑप्शंस हैं वो दोनों ही करेक्ट होंगे। अगर हम बात करेंगे सी तो वन और फोर्थ, डी अगर आप देखेंगे तो डी आपका क्या है टू और थर्ड, ई आपके पास क्या है इसी तरह से आपके पास है ई जो बनता है टू और फोर्थ है, ठीक है, और आपको जैसे कि हमने बताया एफ एफ है थ्री और फोर, और जेड है आपके ओल। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी सेट में, अगर किसी भी सेट में क्या है आपको मिलता है कि आपको ए बी सी डी अल्फाबेट लिख के मिले हुए हैं, तो उस केस में आपके जो आंसर्स होंगे वो मल्टीपल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि आपको एफ देखने को मिलता है और एफ का रिप्रेजेंटेशन नीचे देखेंगे तो आपका हो गया एफ इक्वल जो है थ्री और फोर। तो चाहे आपने थ्री लगाया हो चाहे आपने फोर लगाया हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये है एबीसीडी की कहानी, साथ ही साथ आपके पास आंसर की आ गई। अब जो क्वेश्चन था सभी का कि आपको जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, देखिए आंसर की सबसे पहले था, ठीक है, आंसर की कब तक आएगी, हमने बताया था कि आपकी लगभग 15 दिन में आती है, तो 7 तारीख से लेके 15 बैठते हैं 22 में, और आपको ये मिल गई है आंसर की यहाँ पे, ठीक है, आपको आज की डेट में ये आंसर की मिल गई है। लेकिन रिजल्ट, अब बात करोगे आप तो रिजल्ट कब तक है, तो रिजल्ट अब आपको मिलेगा एज पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था सीटेट का, उसमें मेंशन है बाय एंड ऑफ अगस्त, ठीक है, ये न्यूज बुलेटिन में है। लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेशन जाएगी वो आपको जाने वाली है, वो आपको रहेगी फर्स्ट वीक, ठीक है, वीक ऑफ अगस्त। आपका जो फर्स्ट वीक अगस्त रहेगा, लगभग आप मान के चलिए 7 अगस्त के बाद आपको रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटेट ने एग्जाम टाइमली कराया, काफी लोगों का जो रूमर्स रहा वो सब फेल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम से हुआ, अब की बार एग्जाम भी अच्छे से हुआ, अब जो आंसर की थी वो भी टाइमली आई है, ज्यादा डिले नहीं हुई है। उसके बाद रिजल्ट है वो 7 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये है एक्सपेक्टेशन। बट अगर आप देखेंगे कि आपको न्यूज बुलेटिन में जाके देख भी सकते हैं, इवन सीटेट ने स्टार्टिंग में ही दिया था कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो बाय द एंड ऑफ अगस्त आएगा, मतलब पूरा मंथ के एंड तक जा सकता है, 20-25 तारीख के आसपास। लेकिन जो चांस रहेगी, जो कि पैटर्न फॉलो किया जाता है, वो किया जाता है लगभग एक महीने के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता था, जो कि आपका क्या हुआ है 7 जुलाई को आपका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम डेट अगर आपकी 7 जुलाई है तो उसके केस में सिंपल सा आपकी जो डेट बनती है वो बनती है 7 अगस्त, और उससे ऊपर 5 से 7 दिन, इतने में आपका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि आपका नेक्स्ट जो एग्जाम है वो कब तक जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से सिंपल सा पॉइंट जाएगा कि अगर सीटेट जिस तरह से अभी डेट प्रॉपरली फॉलो कर रही है, तो यहां से आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको सेप्टेम्बर मंथ में, ठीक है, सेप्टेम्बर मंथ में आपको जो सीटेट है, कौन सा सीटेट आपका 2024, जिसको हम कहेंगे दिसंबर 2024, या फिर ये होगा सीटेट जनवरी 2025, ठीक है, ये आपका 2025, ये आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलेगा सितंबर के मिड में। ये रहेगी टाइमलाइन आपके रिजल्ट की या फिर आपका जो नेक्स्ट सीटेट है उसके लिए। और यही सबसे ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंट बनी हुई है, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम जो आंसर की मैच करेंगे उन लोगों का अगर एग्जाम क्लियर हो रहा है
तो बेस्ट है कि उनको आगे फर्दर जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिनकी भी चांसेस हैं वो आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे NVS हो, KVS हो, EMRS हो या फिर DSSSB एग्जाम है जिनके एक्सपेक्टेड है प्लानिंग कि ये एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे PRT हो, TGT हो। तो CTET सभी को पता है प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के लिए होता है, एज पर एग्जाम्स वो आप देख सकते हैं। तो इस केस में सिंपली अगर हम देखें तो जिनका एग्जाम हो रहा है क्लियर वो आगे फर्दर प्रिपरेशन कर सके, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनका क्लियर नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट एग्जाम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, और दिसंबर और जनवरी मतलब 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट CTET का। सिलेबस जहां तक उम्मीद है अभी तक कोई चेंजेस नहीं होने वाला, और एग्जाम बॉडी भी जो है शायद अभी चेंज ना हो, NTA पे जो इश्यूज चले हैं लास्टली उसकी वजह से हो सकता है अभी चेंज ना हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक है भी नहीं। अगर आती है तो डेफिनेटली हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी जैसे ही अपडेट्स आती हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे आज आंसर की से रिलेटेड रहो या बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप तक जरूरी है पहुंचाना, तो आप हमें ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे भी। बाकी सोशल मीडियाज काफी सारी है जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपडेटेड रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।